जी हाँ, ज्योति की शर्त है, अगर आपने ये घरेलू नुस्खा सिर्फ एक बार भी लगा लिया ना, आपके चेहरे पे ऐसा निखार, ऐसा नूर, ऐसी चमक आएगी कि बस आप देखते रह जाएंगे। और कितने भी आप आलसी है, आज का ये जो घरेलू नुस्खा है ना, स्पेशली आलसी लोगों के लिए ही है जो बहुत आलसी हैं। मेरे पास बहुत से ऐसे कमेंट आते हैं कि दीदी, आप जो फेस पैक हमें लगाने को बताते हो वो बहुत डिफिकल्ट बनाना होता है, हम नहीं बना पाते, इसलिए हम यूज़ नहीं करते। तो आज मैं आपके लिए ऐसा एक घरेलू नुस्खा लेके आई हूँ जिसको आप अपने चेहरे पे लगाएंगे, आपके चेहरे को एक बार में बहुत अच्छा निखारेगा, सांवलेपन को खत्म करेगा, चेहरे के दाग धब्बे खत्म करेगा, ऑयली स्किन को कंट्रोल करेगा, और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेगा। कोई भी आपकी स्किन है नॉर्मल ऑयली ड्राई, आप इजीली यूज कर सकते हैं। चेहरे पे बहुत अच्छी चमक लेके आएगा, आपके चेहरे की स्किन को टाइट बनाएगा। बहुत धमाकेदार आपके लिए आज मैं ये नुस्खा लेके आई हूँ। और हाँ, ये जो हमारा घरेलू नुस्खा है ना, ये ब्लीच का भी काम करेगा, फेस पैक का भी काम करेगा, फेशियल का भी काम करेगा, और पार्लर वाले फेशियल से तो कहीं ज्यादा अच्छा आपके चेहरे पे ये निखार देने वाला है। बहुत ही अच्छी तरह से एक बार में आपका चेहरा निखरने वाला है, मैं आपको गारंटी देती हूँ। अगर आपके चेहरे पे बहुत मैल जमा हो गया है, आप कुछ यूज नहीं करते हैं, डेड स्किन हो गई है, सिर्फ चेहरा ही नहीं, आपकी गर्दन, पूरी बॉडी पे, कहीं भी, हाथों पे, पैरों पे, जैसे मैं बोलूँ सेम तरीके से अप्लाई कर लेना। एक पार्ट पे अप्लाई करे, दूसरे पार्ट पे ना करे, फिर फर्क देखे। अगर आपको फर्क ना दिखे ना, आज ही कमेंट में आगे मुझे बोल देना कि दीदी आप तो झूठ बोलते हो, ठीक है, लेकिन झूठ नहीं बोलना है कि फर्क दिखे फिर भी आके बोले फिर ये एक मजाक हो गया, ठीक है, ऐसे नहीं करना है, और मेरी फैमिली ऐसा नहीं करेगी। आई नो दैट, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा नुस्खा आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, वो भी बहुत आसान। आप चाहे किसी भी एज के हैं, 20, 30, 40, 50, नो मैटर, लड़के हैं, लड़की है, नो मैटर, कोई भी यूज कर सकता है और अपनी स्किन को निखार सकता है बहुत। और मैं आपको गारंटी एक बात की और देती हूँ, जो भी चीज़ें हमको इस फेस पैक में, इस नुस्खे में बनाने के लिए लगेंगी ना, गारंटेड आपके घर में अभी इसी टाइम मिल जाएगी, कोई पैसे आपके खर्च होने वाले नहीं है, और बहुत ही आसानी से किसी भी टाइम, सुबह, दोपहर, शाम, जब भी आपको टाइम लगे आप ये नुस्खा कर लेना। हफ्ते में 3 दिन कर लेना, मतलब जिंदगी में कुछ करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी आपकी स्किन पे, और पहली बार में ही आपको बहुत बेहतरीन, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे गारंटी के साथ। ओके, तो हमको लेना क्या है फर्स्ट वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले देखो, गांठ बांध लो, जैसे बताती हूँ सेम 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 अप्लाई करना, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, गारंटी, फेवरेट है मेरा इसलिए आपको बोल रही हूँ। आपने लेना है कच्चा दूध, यानी कि रॉ मिल्क, मैंने बहुत बार बताया, एक तो कच्चा दूध मेरा बहुत फेवरेट है, रीजन क्या है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, बिलीव मी गाइस, आपकी सुंदरता में 4 चांद लगा सकता है, ठीक है। दूसरी चीज आपने क्या लेनी है जी, आपने लेना है लेमन, यानी कि नींबू, मैंने बीच से कट कर लिया है। अब आपको यहाँ पे आधा नींबू चाहिए, ये जो मैंने दूध लिया है इसमें आपको आधे नींबू का रस डाल लेना है इस तरह से, और ये हमारा आधा नींबू का रस इस दूध में चला गया, ये हमारी स्किन पे नेचुरल ब्लीच का भी काम करेगा, और ये हमारी स्किन के जो जो स्किन पे मैल सा, सांवलापन सा आ जाता है ना, डेड स्किन जम जाती है, मतलब उसको जड़ से निकाल देगा, ऐसा निखार चेहरे पे लाएगा, ऐसा निखार लाएगा आप हैरान हो जाएंगे, बस बिल्कुल जितना भी मैल होगा, डेड स्किन होगी, बिल्कुल फेस से क्लीन होके, चेहरा अंदर से डीप क्लीन होके आपका निकलेगा, आज ही चेहरा आपका बिल्कुल साफ, ठीक है। अब हमने इसको अच्छे से कर लेना है मिक्स, ताकि जो लेमन जूस है वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए दूध में, ठीक है। तो ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब आपने क्या करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको सबसे पहले तो आपका चेहरा क्लीन होना चाहिए, नो मेकअप, नो धूल मैल गंदगी, सबसे पहले चेहरा धो लेना, चेहरा मैं यहाँ पे धो के बैठी हूँ, ठीक है। इसके बाद से आपको करना क्या है, आपको ये दूध लेना है अपने हाथों से, अपने सबसे पहले अपने फेस पे लगाना है इस तरह से, इस तरह से आपको लगा लेना है, ये थोड़ा बहुत हल्का हल्का आपको ईचिंग फील हो सकता है, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है, आपकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आपको यूज़ करते रहना है। अपने फेस पे लगाया, थोड़ा सा अपने हाथों पे भी इस तरह से
ले लेना। ठीक हुआ, अब आपको करना क्या है, आपको नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह से मसाज करते जाना है, करते जाना है। और आपके चेहरे पे विश्वास कीजिए, जितना भी मैल गंद जमा हुआ होगा, डेड स्किन, अगर आपकी स्किन, चेहरा आपने बहुत टाइम से कभी फेशियल ही नहीं कराया, सारे मैल को ऐसे निकालेगा, ऐसे क्लीन अप आपके चेहरे का, आपकी स्किन का करने वाला है ना, आप हैरान हो जाएंगे। धीरे धीरे इस तरह से मसाज करते जाना, करते जाना, ना हल्के हाथ से, ना ज़्यादा टाइट हाथ से, बीच का हाथ यूज़ करना है आपने। और आप देखेंगे धीरे धीरे जो हमारे दूध का कलर है, जो फेस पे लगा रहे हैं दूध का ये कलर आ रहा है ना, ये सांवला पड़ता जाएगा, काला ब्राउन सा होता जाएगा और मैल को जड़ से निकालता चला जाएगा, निकालता चला जाएगा। हैरान कर देने वाले इसके रिजल्ट आने वाले हैं। आपने करना क्या, बस ऐसे करते रहना, कुछ आपको आगे और भी करना है, ध्यान से देखना ताकि आपको समझ में आए, मैं आपको बता देती हूँ। अभी जैसे मौसम चेंज हो रहा है ना, ये गर्मियों में भी बहुत फ़ायदेमंद है, सर्दियों में भी आप कर सकते हैं। सर्दियों में तो और ज़्यादा हमारी स्किन पे ड्राइनेस, डेड स्किन जम जाती है और गर्मियों में भी बहुत बुरा हाल होता है। आप शायद कितना भी ट्रैवल करते हैं, आपकी स्किन कितनी भी ख़राब है, घर में कितना भी काम करते हैं, आपको टाइम नहीं लगता, आप ईजीली, बहुत आसान है इसको बनाना, बिल्कुल बना सकते हैं। कोई मेरे को इसमें बड़ा झंझट नहीं लग रहा कि आप ना कर पाए, आप कमेंट में वापस आके बोले कि दीदी मुझसे नहीं हो पाया, ऐसा नहीं हो सकता। इस तरह से आपने करते रहना है, करते रहना है। और ये आपके चेहरे चेहरे के मैंने बताया मैल को तो निकालेगा ही। अगर आपके चेहरे पे चमक नहीं है, फेस पे एक हल्की सी लाइट होती है ना, आप किसी के फेस को देखना जिसका फेस ग्लोइंग हो, इधर से थोड़ा ब्राइट लगेगा, आपको शाइन सी चेहरे पे रहती है, वो शाइन आपके चेहरे पे देगा। अगर आपके फेस पे पहले चमक थी, अब नहीं है, तो इस रेमेडी के बाद ज़रूर वापस आने वाली है। ज़रूर ट्राई करना, मुझ पर विश्वास करके कर लेना। अब आपने करना क्या है, आपको कम से कम 20 मिनट के लिए इस तरह से अच्छे से करना है मसाज। फिर आपने क्या है, ना साबुन यूज़ करना है, ना फेस वॉश यूज़ करना है, नॉर्मल पानी से सबसे पहले अपना चेहरा धोना है। उसके बाद मैं आपको सेकेंड स्टेप बताती हूँ आपने करना क्या है। ओह माय गॉड, आप खुद देख सकते हैं कैसे फेस एकदम निखर गया है, चेहरे पे निखार आया है। बिलीव मी गाइस, मेरे कहने से ट्राई कर लेना, खास करके लड़के होना तो ज़रूर करना। लड़के अपने चेहरे पे कुछ भी नहीं लगाते हैं और उनके फेस पे ज़्यादा धूल मैल गंदगी होता है। मैं थोड़ा सा माइक सेट कर लेती हूँ, तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। लड़के हैं चाहे लड़कियाँ हैं, ज़रूर करना, एक बार में ही आपके सारे मैल वैल को निकाल के स्किन को आपके एकदम साफ बनाएगा। हाथों पर अप्लाई कर लेना, अगर देखा किसी किसी के हाथ सांवले पड़ जाते हैं ना, गर्दन पे, पैरों पे, जिधर मन करे ट्राई कर लेना। जैसे ही आप दूध में नींबू डालेंगे ना, हल्का सा वो गाढ़ा हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, तो ये पहला स्टेप हमारा हो गया है। उसके बाद से आपको अपना चेहरा वॉश लेना है, नॉर्मल सी बात है, ड्राई कर लेना अपना फेस, है ना। इसके बाद से हमको क्या करना है, अपनी स्किन को, अपने फेस को ऐसे ही हमको नहीं छोड़ना है। दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, देखिए अगर आपके पास, सॉरी मैसेज आया था, अगर आपके पास घर का एलोवेरा है, घर पे पौधा है, तो उसका छोटा सा किनारा काटे और उसके अंदर का जो पल्प होता है एलोवेरा का, उससे अपने स्किन पे, फेस पे मसाज करें। वरना मार्केट वाला एलोवेरा जेल है तो वो आपने लेना है, थोड़ी सी अमाउंट में आप लेंगे और आपको अपने फेस पे इसको इस तरह से करना है अप्लाई, लगा के 2 मिनट के लिए धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में अच्छे से आपने करना है मसाज आपके चेहरे पे। और बस आपको अपना चेहरा ऐसे छोड़ देना है, आपकी स्किन बिल्कुल धीरे धीरे साफ होती चली जाएगी, सारे काले दाग धब्बे खत्म हो जाएंगे, स्किन टाइट बनेगी, स्किन पे एक कसाव सा आएगा, चमक आएगी, बहुत ही खूबसूरत आपका चेहरा, आपकी स्किन बनने वाली है। बस इस तरीके से सेम आपको ये रेमेडी अप्लाई करनी है, चीटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, सेम तरीके से अप्लाई करनी है। ठीक है, तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना है, और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपने सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, आप ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हो सब्सक्राइब करने में। ओके जी, तो और मेरा व्लॉग चैनल भी है, अगर आपको व्लॉग्स देखना पसंद है तो ज्योति महलवाल व्लॉग्स आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम भी फॉलो करना चाहे तो इंस्टाग्राम आईडी है ज्योति महलवाल, वो भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैं ज्योति मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। थोड़ा सा आज गला खराब था, मौसम की वजह से है या पता नहीं,
मुझे लग रहा है मौसम की वजह से ही होगा, थोड़ा आवाज़ आपको मेरी डिफरेंट आ सकती है उसके लिए, सो सॉरी। ठीक है जी, आपसे विदा लेने का कभी मेरा मन तो नहीं करता है, मन करता है बातें करती रहूँ करती रहूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे सामने बैठे मैं आपसे बात कर रही हूँ, है ना। कभी ना कभी ऐसा भी होगा, मीटअप भी होगा। ठीक है जी, तो मैं ज्योति मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, खूबसूरत दिखिए, स्किन की केयर करें, अच्छा अच्छा खाना खाएं और खूब सारा पानी पिएं, बच्चों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, अपने मोटू पति का ख्याल रखें। बाय बाय।